हे गाइस, वेलकम टू वडोदरा फूड बुक। हमारा ये पहला व्लॉग है फॉर आवर यूट्यूब चैनल वडोदरा फूड बुक। आज हम बात करेंगे हमारी जर्नी कैसी थी फ्रॉम वडोदरा टू लंदन, क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या जर्नी था, क्या डिफ़िकल्टीज थी, इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर टू बी नोन फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू लंदन। स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एयरवेज। हम लोग वी ट्रैवल्ड ऑन एयर इंडिया फ्लाइट वडोदरा टू दिल्ली, दिल्ली टू लंदन। फ्लाइट बहुत सिंपल था, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एट वडोदरा एयरपोर्ट। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, हमारा स्टूडेंट वीज़ा था, तो स्टूडेंट वीज़ा पे लगेज अलाउड वॉज 23 kgs, 3 bags, 20 kgs का एक बैग और उसमें फिर 26 kg का दूसरा बैग, ये सब नहीं चलेगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। सो मेक श्योर 23 kgs के 3 bags होने चाहिए। एंड हैंड बैग में दे अलाउ ओनली 7 kgs प्लस लैपटॉप। रेंडमली चेक करते हैं, तो अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आप निकल जाओगे, बट नसीब अच्छा नहीं हुआ देन दे विल आस्क फॉर मनी और समथिंग दे विल डू अबाउट इट। बोर्डिंग गेट के पास ही जनरली वो लोग चेक करते हैं, बट दिस इज़ रेंडम। वडोदरा एयरपोर्ट क्लियरेंस वॉज वेरी ईजी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, बट इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। दे ओनली चेक वीज़ा एंड यूनिवर्सिटी का कास्ट लेटर। सो कीप दीज टू थिंग्स हैंडी। एंड ऑल्सो एयरवेज जो है एयर इंडिया, उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी सबमिट करना होता है। कोविड टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, तो उसका टेंशन मत लेना। तो ये इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद नॉर्मल फ्लाइट में बैठ के वी फ्लू टू लंदन। फ्लाइट में खाना पीना थोड़ा बहुत मिलता है, इट इज़ नॉट सो गुड, बट हाँ मिल जाता है। लंदन पे लैंड होने के बाद फर्स्ट थिंग इज़ इमिग्रेशन। हमारा नसीब ख़राब था या पता नहीं क्या था, इमिग्रेशन में हमें लगे 3.5 hours। वी लैंडेड एट 7:30 इन द मॉर्निंग एट टर्मिनल 4। बाहर निकलते निकलते 12 बज गए थे, लिटरली 12 बज गए थे हमारे इमिग्रेशन में 3.5 hours। बट हाँ, कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस कुछ कुछ लोगों को पूछ रहे थे। For me, they did not ask anything. They just wanted to know where will I collect my BRP card from. कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, कहाँ पर रहूँगा, एंड एम आई अवेयर अबाउट द पैसेंजर लोकेटर फॉर्म एंड सेल्फ आइसोलेशन। तो ये सवाल एकदम सिंपल से थे, उन्होंने पूछा, मैंने बताया, एंड गुड टू गो। फिर इमिग्रेशन क्लियर, वेरी सिंपल प्रोसेस, नथिंग मच। एंड उसके बाद बैगेज क्लियर करके, टैक्सी बुक करके हम आ चुके हैं हमारे चेम्सफोर्ड में, जहाँ पे मैंने एक रूम बुक किया था वाया स्पेयर रूम। तो उसका रूम टूर और वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फिलहाल वी आर इन क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन है 14 days। तो हम लोग उसी घर के बैकयार्ड में खड़े हैं। बाकी के वीडियोस के लिए एंड बाकी के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड। तो अब बात करते हैं मेरा यूनिवर्सिटी कौन सा है, कोर्स कौन सा है, एंड हाउ आई केम फ्रॉम एयरपोर्ट टू दी सेल्फ आइसोलेशन हाउस। तो मेरा यूनिवर्सिटी है एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, चेम्सफोर्ड कैंपस, जो कि एसेक्स में है। माई कोर्स इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट विथ प्लेसमेंट। 1 year कोर्स, 1 year प्लेसमेंट, एंड उसके बाद जो भी पोस्ट स्टडी परमिट है वो सब हम लोग बाद के वीडियोज़ के लिए रखते हैं। तो लंदन से हम लोग, मैं आया था टैक्सी में। I paid 80 pounds, which is, I think, fairly cheap considering 65-70 miles. And ride was very smooth, अच्छा है। And जगह एकदम neat and clean, India से बाहर निकल के बहुत ही अच्छा लग रहा है। So I am looking forward to my stay and stay tuned for more videos. And follow Vadodara Food Book on Instagram. Like, share and subscribe this video. Thank you.